नमस्कार। आज का गेम देख के आपको इतना मजा आने वाला है। मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट गेम्स हुए होंगे 2020 में। वैसे ये साल ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं रहा लोगों के लिए, लेकिन इस गेम में जरूर आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये जो गेम हुआ था वो रशियन सुपर फाइनल में हुआ था। लास्ट राउंड में खेल रहे थे डैनियल डोबो और सर्गेई कारियकिन, ये दोनों प्लेयर्स हैं। दोनों में से अगर मैं बोलूँ तो डैनियल डोबो का स्टाइल मुझे हमेशा से ही फेवरेट लगता है मेरा, बिकॉज उनका जो स्टाइल है गेम खेलने का और जो जिस हिसाब से वो प्रिपेयर करके आते हैं। इस गेम में भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कहाँ तक मुझे लग रहा है कि उन्होंने प्रिपेयर किया होगा, बिकॉज टाइम को देख के आप समझ सकते हो क्योंकि वो बहुत फास्ट खेल रहे थे ओपनिंग में, राइट। लेकिन अगर हम ओवरऑल गेम की बात करें तो एक बेहतरीन क्वीन सेक्रीफाइस दिया था उन्होंने, जिसको ओवर द बोर्ड सोचना, और डेफिनेटली उसके पहले बहुत गेम्स हुए नहीं है उस लाइन पे, राइट। सो डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं, उसके पहले जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मिखेल ताल टॉप फाइव हमने बनाया था, जो जो सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, टॉप फाइव वाली बहुत ही बढ़िया हुई है। अब हम गेम की तरफ जाते हैं और उसको डिटेल में देखेंगे, उस क्वीन सैक्रिफाइस को भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस गेम में जो की मोमेंट्स हैं उनको लास्ट में हम देखें, राइट। सो डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं। e4 e5 Nxf3 Nxc6 Bc4 Bc3 c5 एंड c3 Nfc6। अब यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ये बहुत ही कॉमन है, गायको पियानो आप बोलो या इटालियन गेम बोलो, लेकिन हायर लेवल पे जो है मेन लाइन का जो गायको पियानो, मतलब क्लोज गायको पियानो ज्यादा चलता है, d3 ये बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन डैनियल लोबो ने कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया था इस राउंड के लिए, और एक्चुअली ये लास्ट राउंड था, और जो मैंने स्टैंडिंग्स देखे थे लास्ट राउंड के, वो कारियकिन उसमें लास्ट राउंड हारने के बाद भी टॉप पे थे, राइट। लेकिन अगर इस गेम की बात करें हम, तो d4 के बाद यहाँ पे e कट d4 मारा, और यहाँ तक तो सबको ही पता है, बहुत ही कॉमन, मतलब जब आप चेस सीखते हो, अगर आप e4 सीख रहे हो तो डेफिनेटली ये पहला ओपनिंग होता है जो कोई सीखता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो मेन लाइन है दैट इज c कट d4 Bb4 Bd2, और ये बहुत ही कॉमन सा चॉइस है, बिशप कट d2 नाइट कट d2 एंड d5। अब ये जो दो पॉन है उनमें से अगर एक एक्सचेंज हो जाता है तो डेफिनेटली ब्लैक को जो है इक्वलिटी मिल जाती है। हालांकि अगर हम इस गेम की बात करें तो डैनियल डुबो ने एक उनके उनके तरकश में एक तीर था जो उन्होंने खेला b4। अब ये वैसे देखा जाए तो टेक्निकल चेस की अगर हम बात करें तो ये डुबियस मूव मानते हैं, लेकिन यहाँ से आगे देखते हैं क्या हुआ। बिशप b6 खेला, मैंने थोड़ा सा सर्च किया था कि इस गेम के अलावा और भी कुछ गेम्स हुए हैं क्या, तो कुछ गेम्स अवेलेबल थे जहाँ पे बिशप b6 खेला हुआ था अभी भी, लेकिन बहुत कम, और खासकर कुछ गेम्स थे जिसमें जो करस्पॉन्डेंस चेस में खेले हुए हैं, मतलब जो एक अलग एरिया होता है, राइट। सो बिशप b6 में क्या हुआ कि e5 खेला यहाँ पे। अब जनरली जब भी आप d4 दे के e5 खेलते हो ऐसे सिस्टम्स में, इटालियन में या गायको पियानो में या रॉयल पेज में भी कुछ इसमें, तो होता ये है कि ब्लैक बहुत बार d5 खेल देते हैं, राइट। ये एक कॉमन सा सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर जो है ब्लैक ने खेला Ne4, और Ne4 पे एक्चुअली इसके पहले एक गेम हुआ है जिसमें ब्लैक को मुझे लगता है सक्सेस मिली थी। हालांकि कुछ गेम्स हुए थे जिसमें d5 भी खेला है, लेकिन Ne4 के बाद देखिए क्या हुआ। Ne4 को जो जो ज्यादातर एक दो गेम्स अवेलेबल हैं उसमें कैसल किया हुआ लोगों ने पहले, लेकिन डैनियल डोबो ने यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही क्विकली खेल रहे थे वो, मैंने जो टाइम देखा था फॉर्मेट उनका कि कितना टाइम यूज किया था स्टार्टिंग मूव्स में, तो बहुत ही फास्ट खेल रहे थे, और उन्होंने क्विकली Bd5 खेल दिया। अब Bd5 को प्रॉब्लम ये है कि आपका नाइट मर रहा है, आपका जो d5 वाला मूव था वो बंद हो चुका है, एंड देन मुझे लगता है नाइट इंटू c3 इज ऑलमोस्ट फोर्स्ड। नाइट इंटू c3 मारा, नाइट इंटू c3, डी कट c3, और मूव नंबर 10 पे मुझे लगता है जितना भी मैंने सर्च किया था कि इस पे कोई गेम हुआ है क्या पहले, ये एक प्रॉपर नॉवेल्टी थी, मतलब एक न्यू मूव थी जो आज तक किसी ने नहीं खेली है, जो भी डेटाबेसिस मैंने चेक किए थे, राइट। Bg5 खेला उन्होंने, हालांकि इसके पहले एक गेम हुआ था जिसमें कैसल किया था, एक या दो गेम हुए थे मुझे लगता है। लेकिन बिशप g5 के बाद हम देखते हैं, अब क्वीन पे अटैक है तो डेफिनेटली आपको एक ही मूव है कि आप नाइट e7 खेल सकते हो, राइट। तो उन्होंने नाइट e7 खेला, एंड देन डैनियल डुबो वेंट फॉर कैसल। अब यहाँ पे आप देखिए उनको क्या मिला है, क्योंकि ये एक पोजीशन है जो ओपनिंग जहाँ पे कंप्लीट हो रही है, मतलब फर्स्ट फेस कि व्हाइट ने कैसल कर दिया है, थोड़ा सा अटैक है, लेकिन यार अब दो पॉन डाउन हो, राइट। अब दो पॉन डाउन के बाद भी डैनियल डुबो यहाँ तक फास्ट ही खेल रहे थे, बिकॉज उन्होंने डेफिनेटली ये प्रिपेयर किया होगा बहुत पहले कहीं ना कहीं, या फिर गेम के पहले किया होगा। h6 खेला,
यहाँ पे बिशप टू h4, ऑब्वियसली आप ऐसे पीसेस को जो पिन करके बैठे हैं उनको आप एक्सचेंज नहीं करोगे, बिकॉज आपको इमिडिएटली कुछ मिल भी नहीं रहा उसमें, पर प्रेशर बना रहना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे h6 को कैसल किया। हालांकि अगर आप इसको थोड़ा सा चेक करोगे किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे g5 आ रहा है, राइट। लेकिन ये डेफिनेटली उनकी प्रिपरेशन का पार्ट हो सकता है, बिकॉज उनको लगा होगा ह्यूमन प्लेयर ऐसा नहीं खेल सकता है, राइट। अगर कंप्यूटर होता तो डेफिनेटली यहाँ पे g5 आ जाता, और तब शायद ब्लैक के लिए उतना ठीक है। लेकिन इस वक्त हम देखें तो ह्यूमन प्लेयर ऐसे डिसीजन नहीं लेता है जनरली, मतलब हायर लेवल पे भी आप देखोगे तो देर इज अ डिफरेंस कि कंप्यूटर कैसा सोचता है या वो कैसे मूव सजेस्ट कर लेता है अपने गेम में। बिकॉज होता क्या है, देखो ना उसको हारने का डर है, ना उसको और कोई फियर है कि क्या होने वाला है टूर्नामेंट में, ये सब चीजें वो नहीं सोचता, वो सिर्फ प्रॉपर इवेल्युएशन जो है बोर्ड का वही सोचता है। लेकिन ह्यूमन प्लेयर्स के अगेंस्ट ऐसा के साथ ऐसा होता है, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने किया कैंसल, और ये एक प्रॉपर ह्यूमन मूव लग रही है मुझे, जो कार्य करने के इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। बिकॉज अब दो पॉन आपको, अगर आपकी ये पॉन मर भी जाती है इनकेस, तभी भी आप एक पॉन अप रहोगे। अगर एक बार d6 आ जाता है तो आई थिंक ब्लैक को आराम से ये पोजीशन ठीक ठाक होनी चाहिए। तो उसको रोकने के लिए व्हाइट ने खेला रुक e1। अब आप d6 नहीं खेल सकते हो, बिकॉज सिंपली यहाँ पे क्या होगा, पॉन टेक्स और आपका e7 मर रहा है। तो उन्होंने एक एक नॉर्मल एक कूल मूव खेला रुक e1, और अभी तक भी मैं जहाँ टाइम फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ कि वो इनके प्रिपरेशन में था, क्योंकि यहाँ तक आते आते उनका टाइम बहुत कम यूज किया था उन्होंने, और कार्यकिन कंटिन्यूअसली हर मूव को सोच रहे थे। रुक e1 खेला यहाँ पे Qe8, वो ऑब्वियसली उनको ये नाइट हटाना था, ये जो पिन है उसको रिलीज करना था, तो इसलिए वो नाइट g6 नेक्स्ट मूव खेल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया यहाँ से, और साथ ही साथ नाइट इंटू d5 भी आ रहा है। अब बहुत देर से नाइट इंटू d5 क्यों नहीं मार सकते थे, बिकॉज वो पिन था, राइट। तो उन्होंने खेल दिया बिशप b3। अब बिशप b3 के बाद यहाँ पे अरेकिन को लग रहा था कि मैं क्वीन साइड को कैसे रिलीज करूंगा, क्योंकि जनरली बिशप b6 होने के कारण क्या हो रहा है कि b6 और बिशप b7 वाला प्लान है नहीं, d6 आप खेल नहीं सकते हो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपको क्वीन ऐसी जगह रखना पड़ा जहां पे ऑलरेडी उस फाइल में एक रुक है, राइट। जनरली ऐसे अवॉइड करने चाहिए किसी बिशप के डायगोनल में मेजर पीस क्वीन या किंग, या फिर रुक की फाइल में किंग या किंग और क्वीन, तो ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बट अब प्रॉब्लम ये है कि दो ही स्क्वायर है और दोनों पे ही ऐसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है, राइट। तो ब्लैक ने सोचा क्यों ना क्वीन साइड में रिलीज किया जाए, और उन्होंने a5 खेल दिया। अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। a5 भी एक डिसेंट मूव लग रहा है, बिकॉज अगर आप इसको मारोगे तो रुक ओपन हो जाएगा, और नहीं मारोगे तो a कट भी आ रहा है, या फिर a4 भी आ सकता है, राइट। लेकिन डैनियल डुबो बिल्कुल लड़ाई के मूड में थे, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गेम को कुछ और अटैकिंग स्टाइल में, और ये पहला टाइम था जब डैनियल डुबो ने थोड़ा टाइम लिया, मुझे लगता है 15-20 मिनट लिया था इसको सोचने के लिए, क्योंकि ये क्लासिकल टूर्नामेंट हो रहा था ओवर द बोर्ड, ऑनलाइन नहीं है, राइट। तो बिशप यहाँ पे उन्होंने खेला f6 पे, ये एक बहुत ही अच्छा मूव लग रहा है फिलहाल। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, बिकॉज आप मार नहीं सकते हो, पॉन टेक्स मारने के बाद e7 आपका मर रहा है, और ये रुक अगर 7th रो पहुंच जाता है तो, और आपका राजा देखो पूरा उसकी जो छतरी है उसकी जो अम्ब्रेला है वो खत्म हो गई है, राइट। यहाँ पे उसका पूरा घर टूट गया है, तो वो वहां पे डेफिनेटली आप क्वीन c1 क्वीन h6 जैसे मूव आ सकते हो फ्यूचर में, राइट। इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो बिशप f6 को मार पाए। ए कट भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज इससे कुछ ज्यादा अचीव नहीं हो रहा है, मतलब आपको एक पॉन मिल रही है, बट आप मटेरियल कितना लोगे यार, आपको दिन में भी ना आपको खाने के लिए एक एक नॉर्मल क्वांटिटी का ही खाना चाहिए रहता है, बहुत ज्यादा आप नहीं ले सकते। चेस में भी वैसे ही होता है, आपको बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं चाहिए, आपको गेम का कंट्रोल चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हुआ ये कि बिशप f6 के बाद कार्यकिन ने a4 खेल दिया, और आपको शायद पता हो कि उनको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बोलते हैं, मतलब कार्यकिन इतने सॉलिड प्लेयर हैं कि उनको आप ऐसे क्रश करके नहीं हरा सकते हो, बहुत बार वो बहुत ही अच्छे से डिफेंस करके बच जाते हैं। लेकिन आज उनका दिन नहीं था, और डैनियल डुबो फुल एकदम लड़ाई के मूड में थे, राइट। तो निकला a4, बिशप c4, इजी मूव, राइट। कोई अटैक नहीं है फिलहाल, बिशप c4 को आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड देन फाइनली कार्यकिन ने यहाँ खेला नाइट g6। अब देखिए यार, बिशप f6 मर रहा है, दो पॉन ऑलरेडी डाउन है, लेकिन एक अच्छी बात है कि c8 और a8 रिलीज नहीं हो रहा है, और खासकर f8 भी इतना इजीली रिलीज नहीं हो रहा है। बट अब जो थ्रेट है वो पॉन टेक्स के बाद क्वीन हट सकते हैं वो, मतलब अब रुक ई1 वाला वो पिन वाला थ्रेट नहीं है, राइट। तो उनको बहुत ही सोच के खेलना पड़ेगा। तो उन्होंने खेला क्वीन d3 डैनियल डुबो। अब क्वीन d3 को आप देखो कि अगर आप पॉन टेक्स मारोगे तो यहाँ पर एक सिंपल थ्रेट है,
पिन हमेशा यूज कर रहे हो, राइट, पिन को बहुत ही अच्छी तरह यूज कर रहे हैं। अब F7 पिन होने के कारण क्या हो रहा है, G6 मर रहा है, क्वीन इनटू G6। आई थिंक अगर किंग H8 जाते हैं तो पहले ये चेक दे देंगे, किंग G8 जाते हैं तो पॉन टेक्स मारने के बाद अब रुक से क्वीन मर रहा है और यहाँ शह और मात लगी हुई है, राइट। तो ये बहुत आसान था देखना, क्वीन D3 को कार्यकिन ने सोचा क्यों ना इस पिन को रिलीज किया जाए, और आप किंग तो हट सकते हो यहाँ पे, लेकिन उन्होंने खेला D5। अब D5 को एक प्रॉब्लम है, ये जो पिन हमने लगा के रखा है वो मर रहा है, और एक एक ही मूव में अभी दो बिशप मर रहे हैं इधर, राइट, मतलब D5 से ये भी मर रहा है। लेकिन ठीक है, आप इसको मार सकते हो, अगर आप क्वीन D5 तो नहीं मार सकते बिकॉज बिशप E6 आ रहा है और फिर एक्सचेंज होने के बाद ये बिशप मार सकते हैं, राइट, तो वो नहीं जा सकते हो। लेकिन जैसे D5 खेला यहाँ पे सिंपली N% के साथ उन्होंने E कट D6 मार दिया, और अब आप देखो कितना रिस्क है, क्वीन सीधा पड़ा हुआ है। जनरली ऐसी पोजीशन में मतलब आप क्वीन रख के ओपन करना बहुत ही रिस्की काम है, तो उनको पहला पॉन तो मिल गया, अब क्वीन पे अटैक है, तो उन्हें खेला Bb6। अब देखो आप इस पोजीशन में कि बिशप, और ऑब्वियसली आप Bb6 के अलावा यहाँ पे क्वीन कहीं हटाएंगे सपोज तो G6 मर ही रहे, राइट। सपोज आपने अगर यहाँ पे खेला क्वीन टू C6, तो यहाँ पे क्वीन इन टू G6 मर रहा है, क्वीन इन टू C4 आप नहीं मार सकते हो बिकॉज मेट हो रही है यहाँ पे सिंपली, और प्रॉब्लम ये है कि आप पॉन इन टू क्वीन नहीं मार सकते हो क्योंकि ये पिन है, और पॉन इन टू बिशप भी नहीं मार सकते हो, मतलब G7 पे ले देके फोर्स मेट लग चुकी है, राइट। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से वो बच सकते थे, लेकिन जैसे ही ED6 के बाद उन्होंने बिशप इन टू E6 मारा, अब तो थोड़ा सा ना आप रुक जाइए, एक दो लंबी सांस लीजिए और सोचिए क्या हो रहा है पोजिशन में, राइट, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे प्लेयर्स बोर्ड पे इतना अच्छा कर लेते हैं, और एक नॉर्मल प्लेयर या जो सच में दूसरे भी लोग मेहनत करते हैं, बट कुछ प्लेयर गिफ्टेड होते हैं और सच में उनके पास मेहनत भी बहुत करते हैं, उसके बावजूद उसके बाद तो उनके पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, राइट। यहाँ पे उन्होंने जो भी दो तीन मूव आप सोच सकते हो उनमें से आप देखो क्या हो सकता है, ओबियस मूव क्या लग रही है कि आप इसको मारो, लेकिन F into E के बाद ये क्वीन जो है वो इसको बचा रहा है, राइट, और नेक्स्ट मूव आप Bb C3 मार दो, वो पोजिशन भी सही लग रही है, मतलब खेल सकते हो आप उसमें, राइट। लेकिन डैनियल डुबो जैसे मैंने बोला कि यार अग्रेसिव मूड में थे, मतलब उनको आज वो सोच के आए थे बोर्ड पे अंगार करना ही है मुझे, राइट, जैसे शिरो के दुबो का है ना फायर ऑन बोर्ड, तो ये फायर ऑन बोर्ड का एक एक सही एग्जाम्पल है, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने खेला क्वीन इंटू G6, और क्वीन इंटू G6 में पॉन से मर रहा है, इस बार पिन नहीं है, अभी तक हम सोच रहे थे कि इसको हम तब मारेंगे जब ये पॉन पिन रहेगा, बट वो पिन नहीं है, राइट, लेकिन उसके बावजूद क्वीन इन टू G6 को आप देखो आगे क्या हो रहा है, बिकॉज अगर आप मारते हो तो वो तो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन आप पॉन बिशप इन टू बिशप तो नहीं मार सकते हो, उसमें आपका क्वीन भी मर रहा है और G7 मेट लगी हुई है, राइट, मेट इन वन। लेकिन अगर हम पीछे जाएं थोड़ा जहां पे उन्होंने क्वीन इन टू G6 मारा था, तो अब आप देखो क्या हो रहा है, बिशप इसको मारना फोर्स्ट है मेरे हिसाब से F into G6, एंड देन यहाँ पे बिशप इन टू नहीं मारना चाहिए बिकॉज किंग हट जाएगा उसमें कहीं पे भी H7 या H8 पे, लेकिन उन्होंने मारा रूक इन टू E6। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने दो पीस लिए हैं, दो माइनर पीस लिए हैं फॉर अ क्वीन, पॉन्स की आप फिलहाल तो नहीं बात करेंगे हम तो सही है, बिकॉज यहाँ पे ये C3 मर रहा है और इधर हमको 3 vs 3 है क्वीन साइड में, और यहाँ पे भी 3 vs 3, मतलब पॉन्स का बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कभी कभी होता है आप पॉन भी बहुत ज्यादा डाउन हो, राइट, तो उन्होंने दो दिए थे बट एक वापस दे लिया, अब क्वीन दे दिया, दो माइनर पीस दे लिया और फिर अटैक है, राइट। अब इस डायगोनल में आप देखो कि किंग पड़ा हुआ है, राइट, और यहाँ पे क्वीन पे अटैक है, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत ज्यादा अटैक है उधर, आपका F6 मर रहा है बट फिलहाल क्वीन पे अटैक है, राइट। सो ऑब्वियसली आप रुक इनटू F6 तो नहीं मार सकते हो बिकॉज रुक इनटू E6 में डबल चेक है रहेगा, सॉरी पॉन इनटू नहीं, रुक इनटू तो नहीं मार सकते हो क्योंकि इसमें सिंपली रुक इनटू E6 में डबल चेक रहेगा, तो वो नहीं कर सकते हो आप। तो उन्होंने खेला यहाँ पे क्वीन F7। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वीन वापस मिल रहा है रुक E4 खेल के, राइट, लेट से आप रुक E4 खेलते इधर, तो प्रॉब्लम ये है कि आप वो दोनों बिशप मतलब वापस ले लेंगे और मे बी पॉन टेक्स आप मार सकते हो इसको, जिसमें भले आपका क्वीन चला जाए बट पोजीशन रिलीज हो जाएंगी, और ये एंड गेम मुझे लगता है ब्लैक को डेफिनेटली अच्छा रहना चाहिए, राइट। लेकिन जैसे ही क्वीन F7 खेला, उन्होंने एक सिंपल मूव खेल दिया Bb C3, और अब आप देखो वो क्वीन दे के ही खेल रहे हैं, उनको पता है कि क्वीन वापस मिल रही है बट लेना नहीं है बिकॉज वो एंड गेम का फॉर्मेट जो है वो अच्छा नहीं है मेरे लिए, Bb C3 मार दिया, अब जो एक्स्ट्रा पॉन थी जो उन्होंने ओपनिंग में दिया था बहुत पहले वापस ले लिया, ये दोनों बिशप दोनों रॉकेट बहुत ही अच्छा फायर कर रहे हैं इधर, और अगर सॉरी अगर ये जो पॉइंट है वो हट गया तो प्रॉब्लम्स आएंगे,
सिंपली किंग h8 खेल दिया, बिकॉज किंग को वहां से हटाना बहुत जरूरी था, राइट? अदरवाइज इस डायगोनल में जो है दो मेजर पीस पड़े हुए हैं और आपका बिशप जो है वो फायर कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने खेला रुक e4, अब क्वीन पे अटैक है, क्वीन f5 खेला एंड देन रुक e7, अब g7 मर रहा है। एक मूव रुक इसलिए हटाया था कि यहाँ पे बिशप मर रहा था, अदरवाइज डायरेक्टली आप रुक e7 नहीं खेल सकते थे, ये मर रहा था, राइट? पहले रुक e4 खेला, वापस से उधर गए रुक e7 और अब g7 मर रहा है। रुक g8 ऑलमोस्ट फोर्स्ड है, अदरवाइज आप इसको ज्यादा देर बचा नहीं पाओगे। बिशप इंटू g8 मार दिया उन्होंने, रुक इंटू g8, और अब आप गिन लो पीसेस कि उनके पास एक रुक और एक नाइट है फॉर अ क्वीन, और c7 मर रहा है, मतलब सेवेंथ रो पॉन भी रहेंगे उनके पास। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेवेंथ रो पॉन गेम को कभी कभी पूरा पलट सकती है, राइट? तो डी कट c7 मार दिया उन्होंने, क्वीन c2, बिशप मर रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ c7 को इनडायरेक्ट अटैक है, और कभी आप c8 अगर जाओगे तो c2 हमेशा उसको वॉच करता रहेगा, राइट? तो उन्होंने खेला बिशप इंटू बिशप e5। अब बिशप e5 को c7 प्रोटेक्टेड है, मतलब पॉन तो फिलहाल नहीं मर रही है, पॉन अभी भी वहां पे है, दो पीस आपके पास है, और अच्छी बात यह है कि हर एक चीज प्रोटेक्टेड है, राइट? e7 छोड़ के इसमें, और इस रुक को भी प्रोटेक्शन है, मतलब कहीं कुछ मर नहीं रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्वीन के अगेंस्ट खेलते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पीसेस जितने वेल प्रोटेक्टेड होंगे, एक सिर्फ प्रॉब्लम है इस पोजीशन में, विच इज f2, राइट? अब f2 को अगर आप मार भी देते हो क्वीन से या बिशप से, दोनों में ही किंग h1 आ जाएगा, मतलब ये किंग भी सेफ हो जाएगा, राइट? f2 मर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे तो ये जो 2 vs 3 है वो आराम से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि एक पॉन डबल है, बट ये पोजिशन बहुत ही डोमिनेटिंग लग रही है डैनियल डुबो की। बिशप इंटू f2 मार दिया उन्होंने, किंग h1, यहां तक हमने देखा ही था कि इसमें कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, राइट? एंड देन ही वेंट फॉर बिशप b6। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो दोनों पीस हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको पीस देना ही पड़ेगा, और अगर आप पीस दोगे तो फिर हो जाएंगे क्वीन के व्हाइट के पास 3 पीस, क्वीन के बदले 3 पीस। मुझे लगता है एक नॉर्मल नेचुरल पोजीशन में क्वीन के अगेंस्ट डेफिनेटली विनिंग होते हैं, और अगर आपके पास किंग आपका सेफ है, क्वीन के अगेंस्ट खेलते टाइम आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपका किंग सेफ है तो आपके चांसेस जीतने के ज्यादा है, अगर आपका क्वीन किंग जो है आपका वो अनसेफ रहेगा, कहीं एक्सपोज रहेगा, कहीं और बाजार में घूम रहा है वो, तो फिर प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, राइट? तो उन्होंने खेल दिया h3। अब ये मूव ने उनका कॉन्फिडेंस भी दिखाती है, और उनको पता है कि अब ये गेम मेरे पूरे कंट्रोल में, बिकॉज जनरली आप जब क्वीन डाउन होते हो तो आप डायनामिक्स ढूंढते रहते हो, आप टैक्टिक्स ढूंढते रहते हो, आप अटैक ढूंढते रहते हो, बट उन्होंने एक कूल मूव खेल दिया h3। अब उनको पता है कोई बैक रैंक का इशू नहीं है, h2 हमेशा है, राइट? और बिशप के मतलब वो बिशप ये डायगनल भी बिशप कंट्रोल कर रहा है, तो इस डायगनल में भी कभी चेक नहीं आएंगे, और ये पोजीशन आराम से वो जीत सकते हैं। कैसे देखते हैं, किंग h7 खेला, अब सब कुछ पैरालाइज हो चुका है, ये आप हटा नहीं सकते हो, g7 मर रहा है, क्वीन से आप बहुत ज्यादा कुछ अटैक क्रिएट नहीं कर सकते हो, जब क्योंकि सब कुछ प्रोटेक्टेड है। बिशप जो है वो उसको यहाँ रखा है उन्होंने कि कभी भी अगर ये क्वीन बनने ही वाला है तो उसको मार दें, राइट? रुक e1 खेला, अब व्हाइट आराम आराम से अपने पीसेस को ला रहा है a3। हालांकि a2 मर रहा था इसमें, लेकिन आप डायरेक्टली a2 नहीं मार सकते, बिकॉज रुक इंटू g7 आ रहा है, बिशप इंटू g7 भी आ सकता है, रुक इंटू g7 भी आ सकता है, दोनों ही पॉसिबल है, राइट? और अगर आप इसको मारते हो बिशप टेक्स किंग टेक्स, तो यहाँ पे पॉन पुश हो रहा है सीधा, राइट? और क्वीन बन रही है। e1 आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब उन्होंने रुक इंटू g7 मारा था तभी हम क्वीन बना रहे, ये और भी ज्यादा आसान होता है। तो डेफिनेटली यहां तक आते आते वो अब c8 को उनको हमेशा रोकना पड़ेगा। a3 खेला उन्होंने, किंग h2 बहुत ही आराम से खेल रहे हैं वो, बहुत ही नॉर्मल मूव्स दे रहे हैं। g5, नाइट टू d4। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने लायक थी, जैसे ही उन्होंने g5 खेला तो f5 स्क्वायर बन गया, झट से वो आ गए नाइट d4 नाइट f5 और g7 को अटैक करने लगे, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने खेला क्वीन c4, बिशप इंटू d4 मारते तो वो बिशप देना इतनी अच्छी बात नहीं लग रही थी मुझे, तो उन्होंने खेला नाइट f5। अब g7 पूरी तरह फंस चुका है, उसको आप बहुत ज्यादा देर नहीं बचा सकते, राइट? सुनने के लिए क्वीन इंटू b4, रुक टू c1, अब c8 क्वीन बन रहा है भाई यहाँ पे, राइट? c1 क्वीन बन रहा है, और जैसे ही c1 क्वीन बन रहा है यहाँ पे आप देखिए कि इसको रोक भी नहीं सकते हो आप, राइट? सुनने के लिए किंग g6। अब मुझे लग रहा है कि ये मतलब पोजीशन बच ही नहीं रही कहीं से भी, c8 सीधा क्वीन बन रहा है, तो उन्होंने पहले c8 क्वीन बनाने से अच्छा है कि उन्होंने पहले किया रुक g7। अब रुक इंटू g7 को आप रुक इंटू g7 मारोगे तो c8 क्वीन बन रहा है, और साथ ही साथ रुक बिशप इंटू g7 या नाइट g7 जैसे मूव्स भी आपके पास है, राइट? सो किंग इंटू f5 खेला यहाँ पे, रुक इंटू g8 एंड देन फाइनली अगर आप e5 मारते भी हो तो बोर्ड पे एक क्वीन आ जाएगा फिर से, और जो क्वीन उन्होंने बहुत पहले दिया था वो वापस जिंदा हो रहा है, राइट?
यहाँ पे उन्होंने खेला बिशप इनटू सी सेवन एंड देन बिशप इनटू सी सेवन। अब आप देखो, मैंने बोला था आपको कि तीन पीस अगर क्वीन के बदले होते हैं और आपका किंग अगर सेफ है तो यहाँ पे बचना बहुत मुश्किल है। एक ही चांस है कि आप ए टू मार के इस यहाँ से कुछ काउंटर क्रिएट करो, और देखते ही देखते ये जो किंग है वो घूम घूम के मतलब वापस एफ वाई पे आ गया इधर, और अब आप बचा नहीं सकते इस पोजीशन को। क्वीन बी टू खेला यहाँ पे उन्होंने, ए टू को अटैक कर रहे हैं, रुक सी फाइव चेक दिया, किंग ई फोर, और फाइनली यहाँ पे उन्होंने देखा कि किंग जो है वो इस एरिया में जा सकता है और इधर आ सकता है, तो उन्होंने इसको रोक लिया रुक डी एट, क्योंकि अभी रुक ई फाइव चेक आ रहा है, इधर आप कहीं जाओगे तो डिस्कवर्ड चेक आ रहा है और बच नहीं सकते, इवन रुक एफ एट मेट हो रही है। तो यहाँ पर आकर सरगेई कारियाकिन ने रिजाइन कर दिया, और डेफिनेटली ये मुझे लगता है डैनियल डुबो की लाइफ का एक एक बेहतरीन गेम था। और 2020 में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ था चेस वाइज, ओवर द बोर्ड टूर्नामेंट बंद हो गए, लेकिन जैसे ही ओवर द बोर्ड टूर्नामेंट चालू हुए ब्रिलियंसी आ गई उधर बोर्ड पे, राइट। और डैनियल डुबो, इसके पहले भी मैंने इस टूर्नामेंट का एक गेम किया था जब उन्होंने इयान नेपो हराया था, मुझे लगता है सेकेंड हाफ में डैनियल डुबो और ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे और ज्यादा फायर कर रहे थे बोर्ड पे। फर्स्ट हाफ में अगर वो कर लेते तो शायद वो टॉप पे आ जाते, लेकिन स्टैंडिंग्स में इस गेम को हारने के बाद भी सर्गेई कारियाकिन टॉप पे थे। हालांकि इयान नेपो पहले पहले हाफ में बहुत अच्छा कर रहे थे और वो लीड कर रहे थे एक्चुअली टूर्नामेंट को, लेकिन रशियन सुपर फाइनल जो टूर्नामेंट थी उसके गेम आप जरूर देखो। और इन दो प्लेयर्स को डेफिनेटली डैनियल डुबो को यार सलाम करना चाहिए कि कितना बेहतरीन वो सोचते हैं बोर्ड पे और क्या कंट्रोल होता है उनका। और आप उनको कभी इंटरव्यू में भी पढ़ो अगर देखोगे ना, तो उनके पास भयंकर नॉलेज है और यंग भी है, और साथ ही साथ वो गेम को बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं। जब भी वो इंटरव्यू में आते हैं डेफिनेटली आप उनको देखा करो, राइट। तो बहुत जल्दी मिलते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे जो गेम्स हैं, अच्छा जो चेस का कंटेंट है उनको हम देखते रहें और कोशिश करें कि उससे कुछ सीखें, ताकि आप अपने गेम में भी उसको अप्लाई कर पाओ, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कुछ देख रहे हैं और आपको कुछ मिल नहीं रहा है अप्लाई करने के लिए, राइट। बहुत जल्दी मिलेंगे, आप सेफ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो, राइट। बाय।